तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि अगर आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उस क्रेडिट कार्ड पे आपने कुछ अमाउंट स्पेंड करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया है और उस ईएमआई को आप जो है प्री क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि आपने 2 ईएमआई भर दिया, 3 ईएमआई भर दिया, 5 ईएमआई भर दिया और बाकी के जो रिमेनिंग ईएमआई है उसको आप एक साथ पे करना चाहते हैं ताकि आपका जो है ईएमआई का टेंशन खत्म हो जाए, हर महीने आपको ईएमआई जो है वो ना देना पड़े। तो इसके लिए जो क्या प्रोसेस है इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि ईएमआई का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या आपको जो है वो फीस लगते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी ने जो है वो 20,000 रुपये का एक मोबाइल खरीदा और यानी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। तो जैसे आप 20,000 रुपये का जो है वो मोबाइल खरीदते हैं और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके होते हैं। पहला तो जस्ट आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं या फिर अमेजोन से खरीदते हैं या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं मोबाइल या फिर कोई भी ऐसी चीज़ 20,000 रुपये का और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे ₹199 जो है आपको शो कर रहा होता है प्रोसेसिंग फीस के रूप में और उस पर आपको जो है 18% का जीएसटी लगाया जाता है। पर अगर आप वहां पे ईएमआई पे नहीं बाय करते हैं और टोटल पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड से और इस अमाउंट को आप क्रेडिट कार्ड जो है यानी कि एक्सिस बैंक एप्लीकेशन की हेल्प से उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं खुद से एप्लीकेशन की हेल्प से या फिर कस्टमर केयर को फोन करके, तो आपको जो है 2% का प्रोसेसिंग फीस चार्ज किया जाता है ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए। ये कैसे पता चला, तो ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने 20,000 रुपये का जो है मोबाइल खरीदा, उस पर आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का 2% का चार्ज कट किया, तो 2% का आप जैसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 × 2 कितना हो जाएगा, ₹400 जो है आपसे ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेगा और इस पे जो है 18% का गवर्नमेंट भी जो है वो जीएसटी लगाएगा। तो 18% का जीएसटी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 18 कितना हो जाएगा, ₹72 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ₹72 का जो है वो प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लगा दिया गया। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट रेट जो है यानी कि हमने इसको 12 महीने के लिए कन्वर्ट किया है, 12 मंथ के लिए 20,000 रुपये को, तो 12 मंथ में आपको टोटल जो है प्रोसेस यानी कि इंटरेस्ट जो है वो 2347 रुपये लग जाएंगे और इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे 100 से तो ₹423 का इस पे जो है वो जीएसटी लगेगा। तो टोटल आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे एक साल के लिए अगर आप 20,000 रुपये को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो करीब करीब 3–3.5 हज़ार रुपये के आसपास देने पड़ेंगे और टोटल आपको जो है 12 महीने के आखिरी आखिरी तक 20,000 के जगह आपको ₹23,142 देने पड़ेंगे। तो ये था टोटल चार्जेस जो आपसे लगाए जाते हैं अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद अगर ये सारे ईएमआई कन्वर्ट करवाने के बाद अगर आप प्री क्लोज करवाना चाहते हैं 2 ईएमआई, 3 ईएमआई, 5 ईएमआई या फिर जितने भी ईएमआई आपने भर दिए हैं उसके बाद एक साथ पैसे पूरे दे करके जो है वो उसको क्लोज करवाना चाहते हैं, तो उसपे जो है आपसे एक्सिस बैंक 3% का प्रोसेस यानी कि प्री क्लोज चार्ज कट करते हैं, या तो 3% आपको टोटल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस पर लगाया जाएगा या फिर आपसे जो है वो मैक्सिमम ₹300 लिया जाएगा, जो भी ज्यादा हो यानी कि जो भी ज्यादा होगा वो चार्ज किया जाएगा और इसका लिमिट जो है वो ₹300 तक है। तो चलिए इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो 20,000 रुपये है इस 20,000 को 12 महीने के लिए हमने जो है ईएमआई में कन्वर्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो ₹1512 बनेगा, उस पे आपको जो है ₹350 का जीएसटी लगाया जाएगा, सॉरी ये जो प्रोसेसिंग का इंटरेस्ट चार्ज वो लगाया जाएगा। इसको 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो आपसे जो है ₹63 का जीएसटी लगाया जाएगा। तो टोटल ईएमआई जो है आपका ₹1925 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट ईएमआई आएगा। अगर आपने मान लेते हैं कि जुलाई के यानी कि अगस्त अभी चल रहा है तो अगस्त के महीने में अगर आपने ईएमआई कन्वर्ट किया है तो सितंबर के मंथ में आपको जो है 28 सितंबर तक जो है आपको फर्स्ट ईएमआई 2000 के अप्रोक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है वो प्री क्लोज की बातें कर रहे थे कि प्री क्लोज कैसे करना है। तो जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 3 ईएमआई जो है आपने भर दिए हैं, जस्ट मान लेते हैं कि अगस्त में ईएमआई कन्वर्ट किया था
सितंबर में आपने पहला इंस्टॉलमेंट भर दिया, इसके बाद अक्टूबर में दूसरा इंस्टॉलमेंट भर दिया और नवंबर में आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट भर दिया, और इंस्टॉलमेंट भरने के बाद आप दिसंबर का ईएमआई नहीं देना चाहते हैं, उससे पहले ही आप टोटल अमाउंट पे करना चाहते हैं बैंक को, तो आपसे जो जो आपका ये अमाउंट बच जाएगा, यानी कि जो ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टोटल, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 3 तो आपने पे कर दिया, तो 9, ये जो टोटल 9 प्रिंसिपल अमाउंट बचेंगे उन सारे को ये ऐड करेंगे, ठीक है। और सारे को ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये 4500, ये 4600 रुपीज जो है इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो 4600 रुपीज अप्रॉक्स आएगा। तो जैसे आप 4600 रुपीज में से माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 15400 रुपये आपका बच जाएगा, और 15400 रुपये पे आपको जो है 3% का चार्ज जो है बैंक लगाएगा। तो 3% हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, तो 3% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 यानी कि 154 × 3, तो ये हो जाएगा 2 और 15 16, और ये 3 और 1 4, तो टोटल आपसे जो अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे वो 462 रुपये हैं, तो 462 रुपये नहीं चार्ज किए जाएंगे आपसे, 300 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया था कि मैक्सिमम 300 रुपये ही लिए जाते हैं, पर यहाँ पे आपके केस में जो है वो 462 रुपये बन रहे, तो ये नहीं लिए जाएंगे, 300 रुपये ही लिए जाएंगे। और इस 300 रुपये पे आपको 18% का जीएसटी भी लगाया जाएगा, तो ये 18% का जीएसटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 रुपीज, तो 300 रुपये और प्लस 54 ये कितना हो जाएगा, 354 रुपये हो जाएंगे। और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 15400 रुपये था, तो 15400 रुपये में आप जो है वो 354 रुपये को ऐड कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5 और ये 7 और ये 5 और ये 1, यानी कि 15754 रुपये आपसे जो है वो चार्ज किए जाएंगे। तो आपसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज कितना किया गया, 300 रुपये ही किया गया, क्योंकि ऑब्वियस बात है 54 रुपीज तो जीएसटी है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, तो 354 रुपये ही आपको ये 9 महीने के लिए चार्ज किए जा रहे हैं। पर अगर आप प्री क्लोज नहीं करवाते हैं तो इस 9 महीने में आपसे जो है कितना चार्ज किए जाएंगे, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इन सारों को ऐड कर दो, देखो कितना हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, और ऊपर से आप इसके रिस्पेक्टिव जीएसटी को भी ऐड कर दिए, वाले जीएसटी है, तो ये करीब करीब देखा जाए तो नहीं नहीं भी तो ये 1000 प्लस ही होगा, ठीक है, 1000 प्लस हो जाएगा सारा। तो इतने सारा अमाउंट आप बचा सकते हैं अगर आप प्री क्लोज करवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ईएमआई को। तो ये मैंने 20,000 रुपये का एग्जांपल लिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैंने 20,000 रुपये का ईएमआई करवाया हुआ था, जिसमें मैंने टीवी खरीदा था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके, और उसको मैंने जो है प्री क्लोज भी करवाया था, तो मुझे कुछ इसी तरीके से चार्ज किया गया था। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा। और इसी तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।